दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की ये 50वीं बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है। इस बैठक में कैंसर की दवा को सस्ता करने और सिनेमा हॉल में खाने पीने को सस्ते करने को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एसयूवी गाड़ियों पर 22% सेस को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है। वहीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगाने को लेकर चर्चा की उम्मीद है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सख्त भी किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के एजेंडे में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव भी शामिल है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल भी शामिल होंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता ज्योति सिंह जुड़ चुकी हैं। ज्योति, आज जो बैठक होने वाली है जीएसटी को लेकर, उसमें आज क्या कुछ रहेगा? जी बिल्कुल रूपनारायण, देखिए जीएसटी परिषद की आज 50वीं बैठक जो है, देखिए वो नई दिल्ली में होने वाली है और नई दिल्ली स्थित देखिए जो विज्ञान भवन है वहां पर आज सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। और ये बैठक जो है देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने जा रही है। देखिए इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के वित्त मंत्री शांति धारीवाल भी देखिए वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान और उपयोगी वाहनों की परिभाषा, पंजीकरण और इंफोटेक्स का जो क्रेडिट है, देखिए उनका जो दावा करने के नियम है, देखिए उनको सख्त करने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा भी देखिए जो कैंसर की दवाइयां हैं उन पर सस्ता करने का विचार किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए सिनेमा घरों में जो खाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं देखिए उनको सस्ता करने या फिर उन पर छूट देने की जो चर्चा है देखिए इस बैठक में वो की जाएगी। इसके साथ ही देखिए ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ 28% जीएसटी देना पड़ सकता है इस पर। और जीएसटी परिषद के मंत्रियों का देखिए जो ग्रुप है देखिए इन पर 28% जीएसटी लगाने पर सहमत भी हो गया है। हालांकि देखिए ऑनलाइन गेमिंग पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको लेकर देखिए गोवा के जो मंत्री हैं वो अभी तक असहमत दिखाई दिए। पिछली बैठक में राज्य ने देखिए इस पर 18% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया है। वहीं देखिए अगर हम क्या कुछ महंगा होगा इस बैठक के बाद उस पर अगर हम बात करें तो देखिए बैठक में 22% जो उपकर है वो लगाने के लिए जो वाहन है देखिए उस पर जो है आज जो है चर्चा की जा सकती है। और वहीं देखिए फिटमेंट समिति की 28% जीएसटी के अलावा 22% जो क्षतिपूर्ति के जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। कैंसर की दवाइयां देखिए इसमें सस्ती होंगी, यानी कि इस बैठक के बाद देखिए काफी कुछ महंगा हो सकता है। वहीं देखिए पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र से एक प्रतिपूर्ति भी मिल सकती है। और इसके अलावा बात करें तो देखिए दो चीजें सस्ते होने की बात जो है वो सामने आ रही है कि सिनेमा घरों में देखिए जो खाने पीने का जो सामान मिलता है वो कई बार टैक्स में ज्यादा लगाने की वजह से वो बहुत महंगा हो जाता है। तो इस बैठक में देखिए ये चर्चा की जाएगी कि कितना टैक्स जो है उन पर घटाया जाए। और इसके साथ ही कैंसर की जो दवाइयां हैं देखिए वो बहुत ही महंगी मिलती हैं, जिसकी वजह से जिनका इलाज चलता है उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए ये दो चीजें सस्ती हो सकती है। वहीं वाहनों की बात करें, ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, घुड़दौड़ की बात करें और देखिए और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें तो देखिए ये महंगा हो सकता है इस बैठक के बाद। तो देखिए ये बैठक 11 बजे आज विज्ञान भवन में होने जा रही है और देखिए करीब करीब शाम तक पता लग जाएगा कि किन चीजों पर जो है वो टैक्स बढ़ाया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की बात करें, पिछली बैठक की बात करें तो देखिए कई चीजों पर टैक्स बढ़ाया गया था जिससे आम जन की जेब पर जो है बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था। और आज की इस बैठक की बात करें तो देखिए चर्चा कई विषयों पर होने वाली है क्योंकि लगभग सभी राज्य जो है कुछ असहमति जो है बनती दिखाई दे रही है कई मुद्दों पर, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर देखिए जो है कुछ एक दो राज्य हैं जिनकी सहमति नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। आज इस बैठक में वही फैसले लिए जाएंगे और बैठक के बाद एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है देखिए सामने आ जाएगी कि आखिरकार किन किन पर कौन से पदार्थों पर या फिर किस पर कितना टैक्स जो है केंद्र सरकार लगाने जा रही है। रूपनारायण,
ज्योति, इसमें राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल भी शामिल हो रहे हैं, तो उनके इसमें क्या सुझाव रहेंगे शांति बिल्कुल देखिए, हम शांति धारीवाल की बात करें जो कि सरकार की तरफ से राज्य के अंदर क्या कुछ टैक्स जो है कहाँ पर छूट दी जा सकती है या फिर कहाँ पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए, देखिए उसी को लेकर आज अपनी बात जो है वो इसके बैठक में रखेंगे। और वहीं देखिए राज्य की बात करें तो राज्य सरकार हमेशा से ही देखिए टैक्स घटाने पर ध्यान देती आई है। तो देखिए राजस्थान सरकार की अभी भी हम योजनाओं की बात करें या फिर किसी टैक्स को लेकर बात करें तो हमेशा से ही ध्यान इस पर रहा है कि राजस्थान की जनता को यानी कि प्रदेश की जनता को ज्यादा टैक्स ना देना पड़े। इसी को लेकर पिछली बार भी देखिए जब बैठक हुई थी जनवरी में तो देखिए इस बैठक में सबसे ज्यादा राजस्थान की तरफ से ही ये बातें रखी गई थी कि टैक्स जो है वो कम किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता को जो उनकी जेब खर्च है देखिए उस पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। और आज की बात करें तो देखिए शांति धारीवाल पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देंगे कि टैक्स जो है वो ज्यादा ना हो, क्योंकि देखिए जहाँ कैंसर और सिनेमा घरों में खाने पीने के सामान को लेकर बात सस्ती होती है दिखाई दे रही इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा। और वहीं बात करें ऑनलाइन गेमिंग की और देखिए कई ऐसे उपकरण हैं जिन पर टैक्स लगाया जाएगा और भी ज्यादा, होटल्स की बात करें देखिए उन पर भी टैक्स लगाया जाएगा। तो देखिए प्रदेश की तरफ से जब वो अपना पक्ष रखेंगे तो यही बात सामने रखेंगे कि टैक्स जो है वो थोड़ा कर जो है वो थोड़ा कम किया जाए ताकि प्रदेश की जनता को ज्यादा प्रभाव या फिर ज्यादा जेब खर्च ना करना पड़े। रूपनारायण ज्योति, इसमें आगामी चुनाव को देखते हुए भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल देखिए आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो देखिए इस साल के आखिर में ही 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें से एक राजस्थान भी है। और देखिए राजस्थान की तरफ से जो शांति धारीवाल है वो पूरी कोशिश करने की अपनी बात रखने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन देखिए केंद्र सरकार का भी एक मुख्य जो रोल रहेगा इसमें वो ये भी रहेगा कि 5 विधानसभा चुनावों को देखते हुए किन चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए और किन चीजों पर नहीं लगाना चाहिए वो भी इस बातों पर इस बिंदु पर देखिए चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए केंद्र सरकार भी नहीं चाहेगी कि आने वाले चुनाव पर इस टैक्स का बुरा प्रभाव पड़े। रूपनारायण ज्योति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये हमारी संवाददाता थी ज्योति सिंह जो दिल्ली से थी। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं।